बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता दें, पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। आपको बता दें पुलिस ने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस ने महिलाओं की लाठी डंडों से पिटाई की, महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में पुलिस ने इन महिलाओं की पिटाई की और थाना जनकपुरी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई, महिला की जमकर पिटाई की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर इन महिलाओं की पिटाई की गई। मामला क्या कुछ है ये बात हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाई। और ये बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं जहां पर पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लियाकत पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत, क्या कुछ ये पूरा मामला है? लियाकत, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? अनुपमा, मैं आपसे बता दूं, थाना जनकपुरी के छजपुरा गांव की एक घटना है। दो लोगों में आपस में विवाद हो जाता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। एक आरोपी के घर पुलिस दबिश देती है जहां पर बिना किसी महिला पुलिस की मौजूदगी में दबिश दी जाती है। जो महिला वहां होती है, ऐसा ही मुकेश दिनकर नाम का जो एक दरोगा है, उसने उनके साथ जबरदस्त मारपीट की है। इसमें आप महिला सुन सकते हैं, महिला किस तरह के आरोप लगा रही है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करती है। जी, अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है पूरे मामले में? लियाकत, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, देखा जाएगा एसएसपी क्या कहते हैं इस मामले पर। हालांकि पुलिस का जो पुराना रटा रटा है सवाल आता है सामने कि जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होती है, इसके बावजूद कोई जवाब नहीं मिल पाता है। एक ही जवाब मिल पाता है कि जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होती है। जी, जांच में जो भी सामने आएगा, लेकिन महिलाओं की हालत की बात करें लियाकत, कैसी बनी हुई है अभी? महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है, महिलाएं चोटी हुई हुई हैं, महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं महिला किस तरह करा रही है, बता रही है अब आप भी थी कि मेरे साथ किस तरह से मारपीट की गई है। जी, चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लियाकत। इधर देख। बड़ी खबर आपको जौनपुर से बताते हैं, बरसठी पुलिस की दादागिरी का एक वीडियो वायरल हुआ। एक अधेड़ व्यक्ति पर सरेआम थप्पड़ बरसाए गए, दारोगा थप्पड़ों से अधेड़ व्यक्ति की पिटाई कर रही है। पुलिस की गाड़ी में बैठे दारोगा की तरफ से पिटाई की जा रही है। बरसठी थाना के नियाचक बाजार की पूरी घटना, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति पर सरेआम जो है पुलिस ने थप्पड़ किस तरीके से बरसाए, ये तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रखी है। पुलिस की गाड़ी में बैठे दारोगा ये पिटाई इस शख्स की करते हुए नजर आए। जौनपुर बरसठी पुलिस की दादागिरी का ये वीडियो वायरल हुआ। गाड़ियों वाले अगवाई खड़ा, जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ है पूरा मामला है? बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला बरसरी का थाना क्षेत्र है, जहाँ पर कल शाम को पुलिस का एक दरोगा था जो एक व्यक्ति को वहाँ जाते हुए बुलाता है, उसके बाद उसको सरेआम पिटाई करने लगता है। और वहाँ पर मौजूद लोगों ने पहले उसका वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया जाता है। इस मामले को लेकर हम लोगों ने एसपी से बात करने का प्रयास किया, तो एसपी अभी साफ तौर से कह रहा है कि फिलहाल इस वीडियो पर जाँच कराया जाएगा, उसके बाद उसकी कार्रवाई होगी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैं घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।